अच्छा चोरी करोगे तुम, मैं तुम्हें चोरी नहीं करे तो मालिक मालिक कहाँ हो, जल्दी आओ। अरे आप मालिक देखा अभी नहीं, नहीं आप टीम मुझे जाने दीजिए यहाँ से। चलो कितना गंदा हुआ पड़ा है, तो कितनी बदबू भी आ रही है। टाइम लोगों ने बहुत दारू वारू पिए शायद। खैर मुझे क्या, मैं तो काम करने आई, आज मम्मी की तबीयत खराब है ना इसलिए मुझे आना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, काम करती हूँ और अपने घर जाऊँ। तेरे यहाँ से गए मैं। देखता हूँ पास है, बहुत है कि क्या है, कहीं मैं सपने तो नहीं देख रहा हूँ नशे में। तुम कौन हो? तुम कौन हो? अच्छा तुम चोरी करने आए इस घर में? और तुम छपा क्यों रहे हो? ये तो मेरा घर है। तुम्हारा घर है? अच्छा मुझे लग नहीं रहे हो तुम इस घर के मालिक हो, चोर हो ना तुम, चोरी करने आए हो। अरे तुम बात सुनो, मैं इस घर का मालिक, मेरा है घर। अच्छा हुआ मैं आ गई टाइम पे, वरना तुम पता नहीं क्या क्या चोरी करते। मैं तुम्हें चोरी नहीं करने दूंगी बिल्कुल। अरे मैं चोर नहीं हूँ यार, तुम बात को समझा करो। चोरी करोगे तुम, मैं तुम्हें चोरी नहीं करे तो मालिक मालिक कहाँ हो, जल्दी आओ। अरे आप मालिक देखो आपके घर में चोर घुस गया। अरे ये तो मेरा भाई है, तुम कौन हो? चोर? ये भाई आपका? हाँ? मुझे तो लगा चोर है ये। अब मैं ना वो कमला की बेटी। भैया मंजीन से थप्पड़ भी मारा। वो नहीं आई मम्मी की तबीयत खराब थी। देखो ये मेरा भाई है, ये थोड़ा सा ड्रिंक ज्यादा कर लिया इसलिए ऐसा हो गया। अरे तुम इतना पीते क्यों भाई? अरे क्या करूं, बस गया था ठेके पे, अरे मिल गया मालिक। कैसा भाई है आपका, हर वक्त दारू पीने से? एक दिन ऐसा होगा ना कि वो गाड़ी वाला चला के ठोक जाएगा, मार देगा, तुम समझ में आया? पी पा के घूमते रहते हो, चलो कमरे में। अरे यार ये क्या गलती हो गई मुझसे, मैंने तो पहले ही दिन आके मालिक के भाई को थप्पड़ लगा दिया, अब पता नहीं मालिक क्या कहेंगे मुझसे। अरे सुनो। अच्छा हाँ वो मुझसे ना गलती होगी मालिक, मैं चोर समझ गया था आपके भाई को, सॉरी हूँ उसके लिए। क्या है ना मम्मी की तबीयत खराब थी इसलिए मैं आप ही। अच्छा तो कोई बात नहीं, तुम भी रहते घर पे, उनको एक बार फोन करके आ, ठीक है? फोन कर देना था कि मैं नहीं आ सकती हूँ, मेरी तबीयत खराब है। फोन नहीं हमारे पास। अच्छा फोन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ये सब चीज छोड़ो, आओ बैठो। मैं काम करने आई। अरे कोई बात नहीं, काम तो होता रहेगा, आप आओ ना बैठो ना, घबराते क्यों, समझो तुम्हारा अपना घर है, कमला अंकित को हम अपने परिवार जैसा मानते हैं, समझे? देखो तुमको फोन चाहिए ना? फोन मैं तुम्हें फोन दिला दूंगा। अच्छा तुम ये बताओ कौन सा फोन लोगे? हमें ना बड़ा फोन चलाने का शौक है, पर क्या करें हमारे पास पैसे ही नहीं है। बड़ा फोन चलाना है? हाँ। आईपैड दिला दे, आईफोन बड़ा भी होता है। नाम तो सुना है और देखने में भी अच्छा है, पर
हमारे कहाँ इतनी कि हम वो खरीदें, हमारे पास पैसे नहीं ना, बहुत गरीब। ठीक है, अगर हम दिला दे तो आप मैं बताता हूँ। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और आईपॉड चलाने, क्या बोलते उसको, आईपॉड चलाने के लिए मालिक के साथ सोना पड़ता है। ये क्या बात कर रहे हो, पागल हो गए क्या? अरे इसमें पागल वाली क्या बात है, मैं आपके घर में काम करने आई, ये सब नहीं। एक बात बताओ, यहाँ पे तुम काम करती हो है? थोड़ा सा हमारा भी सेवा कर दो कि तो कुछ दिक्कत ना हो जाएगा, और बदले में तुम्हें आईपैड मिल रहा है, सोचो। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए कोई ऐसा आईपैड जिससे हमें ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने के बाद मिले। अब प्लीज मुझे जाने दीजिए यहाँ से, मैं काम करने आई, काम करके मुझे घर जाना वापस। मैं तुम्हें समझाता हूँ। नहीं नहीं, अब तो भैया कितने साल की हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हारा कितना साल उम्र है? आप ये सब क्यों पूछ रहे? छोड़ो मेरा हाथ, दूर रहोगी इसके बाद में तुम्हें बताऊंगा। नहीं नहीं, हमें आपसे बात ही नहीं करनी है। चलो सुन, नाराज मत हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं है हमारा। बनाया नहीं कभी? नहीं। अब बना लो ना। नहीं नहीं, हमें नहीं बनाना। अरे बहुत पैसा दूंगा, आईपैड, यहाँ तक कि तो तुमको ना सोने चांदी से तोल दूंगा मैं। हमें नहीं चाहिए आपके पैसे, कुछ भी नहीं चाहिए आपका सोना चांदी, हमें जाने दो यहाँ से, दूर हटो आप यहाँ से। नहीं नहीं, आप हटिए, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। परेशान मत हो, आराम से बैठो, मैं जा। ये ऐसे नहीं मानेगी, लगता है कमला आंटी ने बहुत ज्यादा संस्कारी बना दिया इसे। कोई बात नहीं, कोई दूसरा आइडिया सोचना ही पड़ेगा मुझे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, चाय बना के भेज दो। हे भगवान, कैसे हैं लोग, अब दोनों ही अजीब हैं। एक तो पियक्कड़, कैसी कैसी हरकतें उल्टी सीधी, और दूसरा तो उससे भी ज्यादा बेकार, एकदम ठरकी। पता नहीं कैसे घर में मम्मी काम करती है, काम वाम पर जल्दी जाती है यहाँ से। अरे यार, कितने गंदे लोग, देखो ना कपड़े कहीं पे फेंक देते हैं। कोई बात, अरे आप ये लो कॉफी पियो। देखो, मैंने जो तुमसे बात किया ना, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। वो क्या है कि ना, मैं तुम्हारा टेस्ट कर रहा था, वो क्या बोलते हैं, परीक्षा। अच्छा। क्योंकि ना हमारे बगल में ना एक राजेश नाम का बंदा रहता था। अच्छा। उसकी जो नौकरानी थी ना, वो थोड़ी अलग टाइप की थी। एक दिन उसके साथ गलत संबंध बना के उसका सारा पैसा वैसा लूट के चली गई। देखो, हम ऐसे वैसे नहीं है, आपने सोच कैसे लिया हमारे बारे में। हाँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, तुम्हारा व्यवहार भी अच्छा है, इसलिए मैं अपने हाथ से तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाया हूँ। नहीं नहीं मालिक, आप पी लीजिए, मैं। अरे पी लो पी लो। नहीं। अगर तुम ये कॉफी नहीं पियोगी तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे माफ नहीं किया, समझे? अरे आप पी लीजिए। पियो ना, थोड़ा सा तो है। ठीक ठीक है, अब कह रहे हो तो पी लेते। पीजिए ना। वैसे अच्छी है ना? काफी अच्छी लगी आपने। हाँ, एक मेरा फ्रेंड है, उसे सिखाओ। तो आपके फ्रेंड भी अच्छी कॉफी बनाते होंगे फिर तो। हाँ, बहुत अच्छी बनाता है। अच्छी है, हम भी बहुत अच्छी बनाते हैं। अच्छा, खाना भी अच्छा बना लेते हैं। तो ठीक है, अगली बार कॉफी तुम बना के पिला देना, बदला पूरा हो जाए। ठीक है। अरे हमने तो खत्म कर दिया, आपने करे नहीं, पी लीजिए ना। हाँ, मैं पीता हूँ ना। ठीक है, आप पी लीजिए, मैं ये किचन में रख के आती हूँ। ठीक है ठीक है। ये क्या हो रहा है, मुझे मेरा सर क्यों घूम रहा है इतना? लगता है मेरा काम हो गया, अब मुझे जाना चाहिए। मम्मी,
क्या हो रहा है मुझे, मैं उठ क्यों नहीं पा रही। क्या हो रहा मुझे, क्या हुआ तुम्हें? सर घूम रहा है। ओ, तुम थोड़ा सा आराम कर लो, होता है कभी कभी ऐसा। एडवांसिंग आओ, मैं तुम्हें रूम में सुला देता हूँ, चलो चलो। नहीं मालिक, मुझे छोड़ दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी, आप जाइए इसे। लगता है मेरा दवा काम कर रहा है जो मैंने कॉफी में मिलाया था। कोई बात नहीं, ये बिस्तर पे भी जाने लायक नहीं है, एक काम करता हूँ, इससे प्यार यही कर लेता हूँ। अरे भैया, ये क्या कर रहे हैं? ये तो कमला आंटी की लड़की है ना? नहीं नहीं, ये भैया गलत कर रहे हैं। अरे कमला आंटी कितनी अच्छी हैं, और ये भैया बहुत ही गलत कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे, माँ बाप छोड़ के चले गए थे, तो कमला आंटी ने ही हम लोगों को पाला था, और भैया ये क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। भैया आप क्या कर रहे हैं? अरे आपको समझ नहीं आ रहा क्या क्या कर रहे हैं इसके साथ? अरे कमला आंटी की लड़की है, और थोड़ा सा भी आप समझ क्या कि कैसे क्या करते हैं किसी के साथ? चल चल छोड़, ये सब बात बाहर मत करियो। भैया मुझे ये पता नहीं था कि आप इतना बड़ा तनाव है। अच्छी लगी तो हो गया यार, कोई बात नहीं। चलो मैं इसको ना पेमेंट वगैरह दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी भैया, क्या पेमेंट दे दूंगा? देखिए ये सब ना हरकतें ना आपकी अच्छी नहीं है, इसी वजह से कोई भी नौकरानी ना घर वाला। चल तू मुझे समझा, चल। देखिए आप रोइए मत, क्या है ना कि भैया से जो गलती हुई है उनकी तरफ से मैं माफी मांग लेता हूँ। सुनिए, जो भैया से गलती हुई है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, और आप ये सब बात घर से बाहर मत बताइएगा, नहीं तो मेरे भैया का ना बहुत बड़ा नाम है, और ये सब हरकतों से ना उनकी बेइज्जती होगी, इसलिए सॉरी। आप मेरे भैया को माफ कर देना। मैं तो जिसे गलत समझ रही थी वही ठीक निकला, और जिसे सही वही गलत। कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ।